यूपी के 34 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। अच्छी खबर सामने आ रही है, 63 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.01 है ये, 0.1 है ये, और इससे कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो 98.7% तक पहुंच चुका है। अब तक 16,86,487 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अनुभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुभव, बेहद अच्छी खबर जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री ने भी कुशीनगर में किया था। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि 34 ऐसे जिले हैं जहाँ बिल्कुल कोरोना का कोई केस नहीं है और लंबे समय से वहाँ केस सामने नहीं आ रहे हैं, और हर दिन आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2,10,000, 2,15,000, 2,20,000 के आसपास जांच हो रही है। ऐसे में कभी 10 केस आ रहे हैं, कभी 14 केस आ रहे हैं, और अब तो जो सक्रिय केस है वो 170 के आसपास ही बचे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जब देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश ने जो नियंत्रण किया है, जो T3 का फॉर्मूला था, ट्रैक टेस्ट और टेस्टिंग, ये इसी फॉर्मूले ने कहीं ना कहीं सफलता दिलाई है कोविड को नियंत्रण करने में। बिल्कुल, और अनुभव लगातार वैक्सीनेशन में भी हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं कि नया रिकॉर्ड बनते जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरीके से इसके ट्रैकिंग की, मॉनिटरिंग की, टीम 9 के साथ उन तमाम कदमों का असर दिखाई दे रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए T3 का फॉर्मूला दिया था, टेस्टिंग थी, ट्रैकिंग थी, ट्रीटमेंट था, और उसके बाद वैक्सीनेशन पर जब जोर दिया प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा कि वैक्सीन हर किसी को लगानी है, इसीलिए तो 8 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। आप देखिए कई देशों की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यूपी सरकार के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्णय लिया था, जो कदम उठाए थे वैक्सीनेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं अब सफल हुए हैं, और उसी का असर है कि लगातार ये मामले कम होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। पॉजिटिविटी रेट जो है इस वक्त 0.01% है। इसके साथ ही कोरोना का रिकवरी रेट अगर हम आपको बताएं तो 98.7 है। अब तक 16,86,487 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं।